तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इंडो चाइनीज टाइगर को जो एक जंगल में साथ रहते थे। शेर और बाघ इनका मिलन का समय आ चुका था और इसीलिए एक पुराने खंडर में जाकर मिलन करते हैं। दूसरी तरफ मशहूर शिकारी एडन मैक्रोरी को दिखाया जाता है जो वो बेच रहे हाथी के दांत को कोई नहीं लेता, पर जब 13वीं शताब्दी की बुद्ध की मूर्ति को नीलामी में रखा जाता है वो ज्यादा रकम में तुरंत बिक जाती है। इसे देखकर एडन मैक्रोरी जंगल में जाकर सिर्फ पुरानी मंदिर की मूर्तियों को निकालने के बारे में सोचता है। कुछ साल के बाद दिखाया जाता है जंगल के बीच गिरे खंडर के अंदर से उनके दो बच्चे बाहर आते हैं। अपने बाप के साथ दोनों बच्चे खेलते हैं। बाप को गुस्सा भी आ रहा था पर बाप तो बाप होता है। कुछ देर बाद वहां से खेलते खेलते दूसरी तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक सूखा नारियल मिलता है। उससे कई देर दोनों भाई खेलते हैं। कुछ देर बाद सिर्फ एक शेर का बच्चा उसके पीछे जाकर खेलते वक्त वहां सीवेट का बच्चा टाइगर के बच्चे को देखकर बिल में आकर घुस जाता है। उसी बिल से उसकी माँ आकर शेर के बच्चे को काटने की कोशिश करते वक्त टाइगर का बच्चा डर कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर उसका भाई आकर उस सीवेट को वहां से भगा देता है। अपने भाई को देखकर शेर का बच्चा पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरकर कूदते वक्त उसके पैरों में सूखे पत्ते चिपक जाते हैं। डरे हुए भाई को दूसरा भाई उसके साथ खेलकर उसे हिम्मत देता है। कुछ देर बाद उन्हें इंसान और हाथियों की आवाज सुनकर दोनों दौड़कर जाकर अपने जागे में आकर उन्हें देखने लगते हैं। वह उन्हें भी आवाज सुनकर शेर खंडर की तरफ जाता है और यहाँ उसकी माँ आकर ठीक से चल नहीं पा रहे पत्ते चिपके उसके बच्चे को उठाकर खंडर के अंदर ले जाती है। उसके पीछे उसका दूसरा बच्चा भी आता है। शेर अपने जागे में रुककर खंडर के करीब आकर डेरा लगाए इंसानों को देख रहा था और यह बाघिन अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। रात के समय एक शेर का बच्चा आवाज आ रहे तरफ पत्थरों के बीच से इंसानों को देखता है और यह शेर इंसानों पर नजर रखा हुआ था। सूर्योदय होते ही यह प्राचीन मूर्तियों को डायनामाइट बॉम्ब्स लगाकर तोड़कर निकाला जाता है। उसके आवाज से सोई हुई बाघिन और उसका एक बच्चा उठ जाता है और यह शेर बाहर अब भी इंसानों पर नजर रखा हुआ था। अचानक उनके कुत्ते को शेर की बू आकर भौंकने लगता है। उसे देखकर सभी शेर को मारने हथियार को लेकर भागते हैं। इसे देखकर बाघिन अपने एक बच्चे को उठाकर बाहर दूसरी तरफ ले जाती है जिसके पैरों में सूखे पत्ते चिपके हुए थे। शेर इंसानों को आने का देखकर खंडर के अंदर जाकर छुप जाता है। या अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर भाग रही बाघिन इंसानों से बचकर घने जंगल में चली जाती है, पर वह कुत्ता उन्हें उस खंडर की तरफ ले जाता है और दोनों इंसान उस खंडर के अंदर जाकर अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। और तब कुत्ते के पीछे आया राइफल पकड़ा इंसान को शेर का बच्चा दिखता है। अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा सोचकर शेर उस इंसान के ऊपर छलांग लगाकर हमला करता है। इसे देखकर एडन मैक्रोरी उस शेर को गोली मारकर जान से मार देता है। शेर का बच्चा मरे हुए पिता के नीचे जाकर छुपता है। थोड़ी देर में घायल हुए इंसान और मरे हुए टाइगर को लोग ले जाते हैं और तब पत्थर के नीचे छुपा शेर का बच्चा एडन मैक्रोरी को दिखाई देता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। कई दूर जाने के बाद कुछ देर एक जगह पर सभी आराम करते हैं और तब अपने साथी से एडन शेर के बच्चे को पिंजरे से निकल कर देने कहता है। वो शेर का बच्चा वाकई बहुत प्यारा था और एडन भी उसे बहुत पसंद करने लगा था। वो एडन के हाथ को कई देर तक मुंह में पकड़कर चूसे जा रहा था। इसे देखकर एडन अपने डिब्बे से शहद के कैंडी को निकालकर उसे देता है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग वहां से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एडन शेर के बच्चे को पानी में मिलाए शहद के कैंडी को पिलाता है। कुछ देर बाद वो गांव आ जाते हैं। गांव के लोग शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। उस गांव का सरपंच बहुत शुक्रिया कहता है एडन को, क्योंकि कई इंसान और पालतू जानवर को मारा था उस शेर ने। उसके भाषा को उसकी बेटी ट्रांसलेट कर एडन से कहती है। अगले साल भी आकर मूर्तियों को निकालने में सरपंच के आदमियों का साथ मांगता है एडन, पर सरपंच को पता था कि यह मंदिर की मूर्तियां कई पैसों में बिकती है और इसलिए सरपंच ने पहले ही प्रशासन वालों को इसके बारे में खबर दे दी थी। वो थोड़ी देर में वहाँ आ जाते हैं। उस मूर्तियों को देखकर एडन को हथकड़ी डालकर प्रशासन वाले एडन को अपने साथ ले जाते हैं। सर्जन फेंट्रान वहाँ के सरपंच को इस बात को बताने की खुशी में उसे इनाम देता है। रात के वक्त अपने बच्चे की आवाज सुनकर बाघिन उसे ढूंढते ढूंढते गांव की बस्ती की तरफ आकर दहाड़ती है।
उसकी आवाज सुनकर सरपंच बीपड़ी बजाकर सभी को जगाता है। सभी लोग बाहर आकर लकड़ी में आग लगाकर उस बाघिन की तरफ फेंकते हैं, जिससे उस बाघिन को वहां से भागना पड़ता है। सुबह शेर के बच्चे को खरीदने जर्बिनो सर्कस वाला आकर सरपंच को पैसे देकर उसे अपने गाड़ी में ले जाता है। अपने बच्ची की आवाज सुनकर बाघिन उस गाड़ी के पीछे कई तेजी से दौड़कर जाकर चढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। खैर, पर ड्राइवर गाड़ी को आड़ा टेढ़ा कर गड्ढे से ले जाता है, जिससे बाघिन नीचे गिर जाती है। उसका भाई और उसकी माँ बाघिन नाराज होकर गाड़ी को देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर में शेर के बच्चे को सर्कस के टेंट में लाया जाता है। पेटी से उसे बाहर निकालकर सभी को दिखाता है वहाँ का एनिमल ट्रेनर और डायरेक्टर, और उसे कुमाल कर नाम रखता है। सलादीन नाम का सर्कस में काम करने वाला शख्स कुमाल को रफली पकड़ते वक्त कुमाल उसे काटता है, जिससे बेरहम सलादीन को गुस्सा आकर कई बार कुमाल को मारकर फिर पिंजरे में डाल देता है। बगल के पिंजरे में कैद हुए शेर को देखकर रोता है, पर वो उठकर दूर चला जाता है। कुमाल कई देर तक रो रो कर फिर वहाँ रखे बाल्दी में जाकर बैठ जाता है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का मुख्य प्रशासन विजेन नॉर्मदीन वहाँ आकर जेल में कैद के मशहूर शिकारी एडन को रिहा करवाता है, क्योंकि उसकी बीवी अपने बेटे राहुल को एडन ने लिखी कहानी सुना दी थी और वहाँ का महामहिम को शिकार दिखाने के लिए एडन की जरूरत थी। एडन अपने देश लौटना चाहता था, पर सर्जेंट वेन कानूनी कागज करवाने तक कहीं नहीं जा सकते कहता है। ये प्लान भी मुख्य प्रशासन का ही था, क्योंकि उसे एडन की जरूरत थी। जंगल में अपनी माँ के साथ जा रहा था, तितली को देखकर उसके पीछे जाता है। वहाँ पर इंसान होने लगाई जाल में उसकी मुंडी फंसकर जाल हिलते वक्त उसमें लगाई घंटियों की आवाज सुनकर गांव के लोग वहाँ दौड़कर आते हैं। शेर का बच्चा वहाँ से बचकर भाग जाता है, पर इंसानों ने बनाई ट्रैप में बाघिन गिर जाती है। ऊपर आने की कोशिश करती है पर नहीं आ पाती। माँ को उस हालत में देखकर वो करीब जाता है, पर वो भी फिसलकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में वह एडन गांव के लोगों को लेकर आकर उस गड्ढे के ऊपर जाल डाल कर बंद करवा देता है। यहाँ के महामहिम ने ऑस्ट्रेलिया के पादरी से कहा था कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाए, और इसीलिए नैरिया एडन से अंग्रेजी में बात कर सकती थी। शेर पकड़े हुए बात को मुख्य प्रशासन से आकर कहता है। महामहिम को शेर का शिकार करना था और अब शेर भी मिल चुका था। वह उसकी बीवी मटिल्ड आती है, वो भी शिकार देखने जंगल में उनके साथ जाने वाली थी। एडन वहां की लड़की को बातों से इम्प्रेस कर पटाने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ी देर में वहां का महामहिम अपनी पत्नी के साथ वहां आता है और सभी हाथी में बैठकर बाघिन का शिकार को लाइव देखने जाते हैं। गड्ढे से बाघिन को ऊपर आने जाल को नीचे किया जाता है। बाघिन के पीछे उसका बच्चा भी ऊपर आता है। वहाँ के गांव वाले हाथी में बैठकर आ रहे लोगों की तरफ बाघिन को भगाते हैं। बाघिन हाथियों को उसके तरफ बढ़ने का देखकर पहले वो अपने बच्चे को ले जाकर छुपाकर खुद उनके सामने जाकर बैठती है। देखिए दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है। खैर, बाघिन को देखकर महामहिम उसे शूट कर देता है। सभी को लग रहा था कि महामहिम ने शिकार कर दिया। वो बुलेट बाघिन की कान को लगकर छेद कर दी थी। महामहिम बाघिन के ऊपर पैर रखकर तस्वीर खिंचवाते वक्त उसकी फ्लैश की आवाज सुनकर बाघिन उसे खिराकर दूसरी तरफ भाग जाती है। महामहिम नाराज होकर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। मुख्य प्रशासन यूजन की बीवी की बिट्सी नाम का कुत्ता और उसका बेटा राहुल वहां नहीं दिखाई दे रहे थे। उसका कुत्ता शेर के बच्चे को देखकर भौंकने की आवाज सुनकर राहुल की माँ वहां आकर उन्हें ले जाती है। राहुल आते वक्त उस शेर के बच्चे को भी अपने साथ ले आता है। राहुल शेर के बच्चे का नाम रखता है, जिसे प्यार से सांगा कहकर बुलाया जाता है। राहुल की माँ एडन ने लिखी शिकार की कहानी को सुनाकर राहुल को सुलाती है। उसके बगल में प्यारा सा सांगा भी सोता है। इसी शेर के बच्चे के पैर में जंगल में चिपका हुआ था सूखा पत्ता, जो अब राहुल के घर पर है। यह कुमार सर्कस वालों के पास था, पर वो खाना नहीं खा रहा था। एनिमल ट्रेनर मास्क को वही रखकर चला जाता है, और इसे देखकर सोए हुए कुमार को बड़ा शेर अपने पूंछ से उठाता है, जिससे कुमार अपने पिता का पूंछ समझकर खेलकर फिर खाना खा लेता है। डाइनिंग टेबल के नीचे राहुल के साथ सांगा भी था। एडन को इनवाइट किया था खाने में यूजन ने, क्योंकि यूजन की मीटिंग थी महामहिम से और वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, और इसीलिए उस बाघिन का खाल महामहिम को तोहफे में देना चाहता था।
पर इस बात को सुनकर एडन इनकार करता है। पर यूजन एडन को लोकल लड़की के साथ घूमकर कुछ गलत करने की बात का झांसा देकर सार्जन से मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा कहता है। और तब बाबरची आकर वहाँ की डोर खोलते ही बिट्सी आकर सांगा के पीछे लगती है। इसे देखकर डरकर डाइनिंग टेबल के कपड़े को सांगा नीचे गिरा देता है। एडन शेर के खाल को लेने सर्कस में आता है। वह कुमार को देखता है। कुमार भी एडन को खूब अच्छे से पहचानता था। एडन अपने डिब्बे से शहद के कैंडी को निकालकर कुमार को देता है और तब वहाँ जानवरों का शिक्षक आता है। एडन उसे शेर की खाल मांगता है। वो ज्यादा रकम कहता है पर एडन मान जाता है और वही पैसे देकर आ जाता है। और वो सर्कस वाले बड़े शेर को मारकर खाल निकालकर एडन को देते हैं और उस पिंजरे में कुमार को डाल देते हैं। यहाँ महामहिम बाघिन की खाल समझकर फोटो खिंचाने जा रहा था पर उसने वो शिकार नहीं किया था और इसीलिए वो नाराज था। मुख्य प्रशासन वाला अपने लोगों को इस देश में बना रहे पर्यटन के बारे में बता रहा था और वहाँ बिट्सी सांगा के पीछे पड़ जाती है। वो सांगा को भगाते भगाते एक कोने में ले आती है। सांगा को गुस्सा आकर वो बिट्सी को जान से मार देता है। इसे देखकर राहुल की माँ पुलिस को बुलाकर सांगा को ले जाने कहती है। राहुल को दुख होकर खूब रोता है और सांगा भी पिंजरे से राहुल को देख रहा था। कुछ देर में सांगा को महामहिम के पैलेस में ले आया जाता है। वहां रखे दूसरे जानवर के बगल के पिंजरे में सांगा को डाला जाता है। एक साल के बाद दिखाया जाता है जब कुमार बड़ा हो चुका था। जानवर का शिक्षक अपनी हंटर को मारते हुए आग लगाए रिंग से छलांग लगाने कह रहा था कुमार से, पर वो नहीं मान रहा था। इसे देखकर उसके गले में रस्सी डालकर कई देर उसे सर्कस के लोग मारते हैं, जिससे कुमार को उनकी बात माननी पड़ती है और वो आग लगाए रिंग से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाता है और फिर उसे उसके पिंजरे में भेज देते हैं। वो जाकर अपनी पिंजरे में बैठ जाता है। पैलेस का इंचार्ज गाड़ी में जर्बिनो सर्कस के वहां आकर उनके खूंखार शेर को बड़े रकम में खरीदता है, क्योंकि महामहिम के पिता दोनों शेर को आपस में लड़ाते थे और इसीलिए उसके बेटे को भी वैसे ही करना था। अपनी पत्नी को उनके पिता खरीदे देशकीमती ज्वेलरी को दिखाता है पर वो उसे नहीं देता बल्कि उसे अपने शेर सांगा को पिनाने कहता है और वहां आकर अकेले में सांगा से बातें करता है। अपनी पिता को अच्छा कहकर सांगा के पिता को नीचा दिखाकर बात करते वक्त सांगा उसे गुस्से से दहाड़ता है। सुबह सभी लोग दो शेर आपस में लड़कर मरने की फाइट को देखने आते हैं। वहाँ एडन भी नीरिया को लेकर आता है और फिर अकेले अपने शेर कुमाल से मिलने जाता है। वहाँ जाकर उसे डिब्बे से शहद के कैंडी को देता है और कुमाल उसे सूंघता है। और तब सर्कस के लोग आकर एडन से दोनों में से कोई एक शेर लड़कर मरेगा कहते हैं। ये सुनकर कुमार की पिंजरे की चाबी लेकर ये रोकने देखता है पर सभी मिलकर उसे पीट कर वो की ले लेते हैं। यह महामहिम वहां आकर फाइट शुरू करने कहता है पर एडन ये देखना नहीं चाहता था और इसीलिए नेरिया को वहां से अपने साथ ले जाता है। पहले सांगा को पिंजरे से छोड़ा जाता है। वो दौड़ते हुए आकर पिंजरे को हिलाकर पिंजरे में रखे गेंद को नीचे गिराता है। इसे देखकर राहुल को पता चल जाता है कि वो उसका सांगा ही है। और दूसरी तरफ कुमार को पिंजरे से वहां भेजा जाता है। वो जाना नहीं चाहता था पर फिर भी उसे जबरदस्ती भेजते हैं। दोनों आमने सामने आने के कारण आपस में फाइट करने लगते हैं। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर हमला कर मारने की कोशिश कर रहे थे। कई देर बाद सांगा कुमार को नीचे गिराकर मारने देखते वक्त उन दोनों को अपनी बचपन की याद आती है, जिससे वो दोनों भाई आपस में खेलने लगते हैं। सभी देखने वाले हैरान हो जाते हैं। ठीक वैसे ही खेलते जैसे वो दो प्यारे भाई बचपन में खेला करते थे। इसे देख रहे सिपाही और सर्कस वालों को रास नहीं आता। वो दोनों भाइयों को भड़काने पत्थर फेंकते हैं और सलादीन डंडे से कुमार को मारकर उकसा रहा था। इसे देखकर सांगा जाकर सलादीन के हाथ को अपने मुंह में दबोच लेता है। उसे बचाने जर्बिनो पिंजरे की डोर को खोलकर सांगा को शूट करने जाते वक्त कुमार जर्बिनो के ऊपर हमला कर अपने भाई को बचाता है। वहां की डोर से दोनों भाई बाहर भागकर आ जाते हैं। लोग दो बड़े शेर को देखकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। दोनों भाई बाहर आ जाते हैं पर कुमार अपने पिंजरे में जाता है। इसे देखकर उसका भाई सांगा दहाड़कर उसे अपने साथ आने कहता है, जिससे कुमार समझ जाता है और वो पिंजरे से बाहर आकर अपने भाई के पीछे जाता है।
जंगल की तरफ से जा रहे बस में मुर्गी और सुअर को देखकर उसमें छलांग लगाते हैं। शेर की आवाज सुनकर बस को ड्राइवर रोककर जान बचाकर भागता है, साथ ही गांव के लोग भी। शहर में कई घर जाकर खेलते हैं, नारी वहां भी पहुंच जाते हैं, जिससे वो औरत भागकर घर के बाहर आ जाती है। पेपर लेने आया शख्स शेर को देखकर डर कर भाग जाता है। रास्ते में कसाई वाला सुअर के मांस को ले जा रहा उस गाड़ी में पीछे दोनों भाई भागकर जाकर पेट भरकर सुअर के मांस को खाते हैं। जंगल के कुछ दूर कटे हुए पेड़ में एक जगह से दूसरे जगह पर छलांग लगा रहा था कुमाल। अचानक पुलिस उन पर गोली मारते हैं, पर वो दोनों भाई बचकर जंगल की तरफ भागते हैं। उन दोनों का शिकार करने एडन को बुलाया जाता है। नाराज बैठे हुए राहुल को एडन मनाने की कोशिश करता है। एडन को लग रहा था कि सांगा और कुमाल इंसानों का शिकार करेंगे, पर छोटा सा राहुल रोकर वो ऐसा नहीं कर सकते कहता है। एडन को अपना काम करना पड़ता है। दोनों भाई अपनी पुरानी जगह में आकर मंदिर की तरफ जाते हैं। एडन के साथ गांव वाले और सिपाही जंगल में आकर वहां आग लगा देते हैं। थोड़ी देर में आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती है, जिससे दोनों शेर को वहां रुकने नहीं होता, और इसीलिए कुमार छलांग लगाकर दूसरे तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने सर्कस में सीखा था। सांगा नहीं आ पाता अपने भाई को ले जाने। कुमार फिर से आग के ऊपर से छलांग लगाकर वहां आकर अपने भाई को अपने साथ ले जाता है। इसे दूरबीन में देख रहा एडन हक्का बक्का होकर देखने लगता है। यह मंदिर वाला प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को रुकावट डाल रहे दो शेर को मार दिया गया है कहकर यूजेन महामहिम को लेटर लिखकर अपना दस्तखत करता है। वहां पर राहुल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपने सांगा को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ जा चुका था। राहुल की आवाज सुनकर सांगा उसके करीब जाता है, क्योंकि सांगा भी राहुल को पहचानता था। सांगा के काफी करीब जाकर उसे जंगल में ही रहने कहता है। राहुल नहीं चाहता था कि वो किसी इंसान का शिकार हो, इतना कहकर सांगा को चूमता है। राहुल को ढूंढते एडन वहां आकर सांगा को शूट करने जाते वक्त बगल में कुमाल आकर एडन को देखता है। कुमाल को देख एडन अपनी राइफल को नीचे रख देता है। वहां राहुल सांगा की गले की बेल्ट को निकाल कर फेंक देता है। कुमार एडन के करीब आकर उसके खिसे में रखे डिब्बे से शहद के कैंडी को देने कहता है, पर वो डिब्बा खाली हो चुका था, और इसलिए एडन कुमार से माफी मांगता है। अपनी माँ की दहाड़ने की पुकार सुनकर दोनों उसके बेटे उसके तरफ जाते हैं। एडन और राहुल उन्हें एक आखिरी बार देखते हैं। थोड़ी देर में वो अपने माँ के पास पहुँच जाते हैं। माँ भी उन्हें देखकर खुश होती है। वो सब अपने पुराने जागे में बैठते हैं। सूरज की किरण बागिन के कान के छेद से दिखाई देती है। तो ऐसे दोस्तों, इस वंडरफुल शानदार मूवी की कहानी यही पर खत्म होती है। अगर आप अपने भाई से इतना ही प्यार करते हैं जितना सांगा और कुमार एक दूसरे से करते थे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने प्यारे से भाई को ये स्टोरी शेयर करना ना भूलना। आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे ही कुछ दिल को छू जाने वाली मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।